Dear students, today we are going to study about class 7, honeycomb, lesson 6, expert detectives. Before you read, at first you know about the short point of this lesson. आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 7 के लेसन नंबर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव के बारे में अध्ययन करेंगे. निषाद अ बॉय ऑफ 7 आल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल एंड दिस 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. Nishad एक 7 वर्षीय लड़का है. उसे सेवन भी बुलाया जाता था क्योंकि उसके नाम का अर्थ था संगीत माप का 7वां सुर. और उसकी बहन माया मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है. देन वन डे द चिल्ड्रन मार्वल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ रूम एंड निषाद गेट्स अ चांस टू सी हिम. क्या वह कोई भागा हुआ धोखेबाज है? क्या उसका चेहरा बुरी तरह से निशान ग्रस्त है? उसका कोई दोस्त क्यों नहीं है? निषाद की माँ एक डॉक्टर है जो मिस्टर नाथ को एक मरीज के तौर पर यहाँ पर जानती है और बहुत विनम्र है. नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. एज वी वॉक बैक टू वर्ड द क्लिनिक 7 सैड He does not look anything like a monster Maya. यह बिल्कुल भी दानव के जैसा नहीं दिखता है. माया क्लिनिक से बाहर आते हुए सेवन ने कहा. What did you see how thin he is? पर क्या तुमने देखा वह कितना दुबला है? Maybe, शायद, he is very poor, वह बहुत गरीब है, and cannot afford to eat, और खाना नहीं खरीद सकता. He cannot be poor if he is a crop on the run, I told him. मैंने उससे कहा वह गरीब नहीं हो सकता यदि वह भागा हुआ धोखेबाज है. He is probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. मैंने उसे बताया उसने जरूर बहुत सारे रुपए अपने कमरे में कहीं छुपा रखे होंगे. Did you really think he is a criminal? Maya, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वह एक मुजरिम है? Maya, he does not look like one. वह ऐसा नहीं लगता. निषाद looked doubtful. निषाद ने संदेह प्रद देखा. ऑफ कोर्स ही इज वन सेवन आई सेड एंड ही सर्टेनली इज नॉट स्टार्विंग. हाँ वह है सेवन ने कहा और वह सचमुच में भूखा नहीं है. मिस्टर मेहता टोल्ड अस मिस्टर मेहता ने हमें बताया था डैट
रमेश ब्रिंग्स हिज मील अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स। महेश मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि रमेश सीढ़ियों के नीचे वाले ढाबे से उसका खाना लेकर जाता है। बट माया मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डज नॉट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबल हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषाद सेड। निषाद ने कहा बट माया, परंतु माया मिस्टर मेहता टोल्ड अस, मिस्टर मेहता ने हमें ये बताया था, ही डज नॉट वर्क एनीवेयर, कि वह कहीं भी काम नहीं करता है। सो हाउ कैन ही पॉसिबल, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि हैव मनी टू पे फॉर फूड, कि उसके पास खाना खाने के लिए पैसे हैं, ये निषाद ने पूछा। Exactly, the exclaimed, he must have lots of money hidden somewhere. कहीं ऐसा तो नहीं, मैं आश्चर्य मुझे हो जाता है कि इसके पास जरूर बहुत सारे पैसे छुपे हुए होंगे। Maybe in that trunk of his room, शायद उसने अपने कमरे के संदूक में रखे हों। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड, और उसमें शायद बहुत सारा सोना चांदी और जवाहरात होंगे। व्हाट रूविस, निषाद इंटरप्रिटेड, निषाद ने कहा क्या बकवास है, निषाद ने उसे रोकते हुए कहा क्या बकवास है। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, मुझे पता है मैं सही हूँ बेवकूफ। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। वाई द वे सेवन डिड यू सी हिज स्कार, वैसे सेवन क्या तुमने उसके निशान देखे। आई Could not, it was too dark. नहीं मैं नहीं जानती, वे इतने काले थे, मैं शर्त लगा सकती हूँ। What I bet he got them during a shoot out with the police or something. उसे वे पुलिस या किसी के साथ मुठभेड़ में लगे होंगे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली देवर वॉर्न स्कार, निषाद सैड फार्मली। निषाद ने यह साफ तौर पर बताया कि वे जलने के निशान थे। निषाद ने दृढ़ता से ये कहा Perhaps the police had to set his house. शायद पुलिस को उसके घर में आग लगानी पड़ी होगी। To force him out, और उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकालने के लिए जो है पुलिस को शायद आग लगानी पड़ी होगी। I suggested, मैंने ये सुझाव उसे बताया। सेवन looked unsure, सेवन को यकीन नहीं हो रहा था। On the Monday following mama's birthday, माँ के जन्मदिन से पहले सोमवार को, सेवन went along with her to the clinic at Jigriom as I was spending the evening with a school friend.
ऑन द मंडे फॉलोइंग मम्मास बर्थडे, माँ के जन्मदिन से पहले सोमवार को शेवन वेंट अलोन विद हर द क्लिनिक एट जिग्रियन, क्योंकि शेवन अपने उनके साथ अकेला क्लिनिक पर गया, क्योंकि मैं शाम को अपने एक स्कूल के दोस्त के साथ थी। व्हेन दे रिटर्न, जब वे वापस आए तो निषाद टोल्ड मी, निषाद ने मुझे बताया, ही डिड वीन टू सी मिस्टर नाथ एंड आई लेफ्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैड नॉट बीन देयर। निषाद ने बताया, ही डिड वीन टू सी मिस्टर नाथ, कि उन्होंने मिस्टर नाथ से मिलने का मौका मिला, एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड, और मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा कि आई हैड नॉट बीन देयर, कि मैं उधर नहीं थी। शेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नॉट्स गैंग अपियरेंस एंड वाज श्योर डेट ही वाज स्टार्विंग। शेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट, शेवन मिस्टर नॉट की दुगली पतली हालत को देखकर बहुत दुखी था, और उसे पूरा यकीन था कि वह भूखा मर रहा था। He told me, उसने मुझे बताया, that he had knocked loudly on Mr. Nath's door, उसने मुझे बताया कि उसने मिस्टर नाथ के दरवाजे पर उस शाम जोर से खटकाया, एंड सैड, और कहा, ओपन द डोर क्वाइटली मिस्टर नाथ, मिस्टर नाथ जल्द ही दरवाजा खोलिए। द मैन हैड ओपन्ड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। द मैन, उस आदमी ने दरवाजा खोला और पूछा, लॉस्ट अनदर मार्बल, एक और कंचा खो गया है। नो, नहीं, सैड निषाद, निषाद ने कहा, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। नो, नहीं, सैड निषाद, निषाद ने कहा, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन, आदमी का हाथ अपने हाथ में उसने लिया, एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट, और उसमें एक चॉकलेट उसे थमा दी। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक, सेवन आस्क्ड, सेवन ने पूछा, क्या तुम्हें उसके संदूक में झांकने का मौका मिला, शेवन के माया ने पूछा। निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, निषाद निराश था। ही डिड नॉट इवन आस्क मी इन, ही सैड, वह निराश था, उसने मुझे अंदर तक आने के लिए नहीं पूछा, उसने कहा और फिर मुस्कराया, ही स्माइल्ड, देन ही स्माइल्ड, और वह मुस्कराया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग, माया, बट लेकिन आई डिड फाइंड आउट समथिंग, माया, लेकिन पर मुझे कुछ नहीं
कुछ मिला माया, मुझे कुछ मिला। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट, मैं नीचे रेस्टोरेंट पर गया। व्हेयर रमेश वर्क, जहाँ पर रमेश कार्य करता है। एंड टॉक्ड टू हिम, और उससे मैंने बातें की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक। आई होप यू क्वेश्चन्ड हिम प्रॉपरली। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, बहुत बढ़िया मिस्टर डिटेक्टिव एंड मिस्टर जासूस। आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक, उसकी पीठ थपथपाते हुए मैंने कहा। आई होप यू क्वेश्चन्ड हिम प्रॉपरली, मुझे उम्मीद है तुमने उससे ठीक से सवाल पूछे होंगे। सेवन लुक्ड प्लीज्ड, सेवन को अच्छा लगा। रमेश टोल्ड मी, रमेश ने मुझे बताया। डैट ही टेक्स टू मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड टू कप ऑफ टी। रमेश टोल्ड मी, रमेश ने मुझे बताया। डैट ही टेक्स टू मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। उसने मुझे बताया कि वह मिस्टर नाथ को दो समय का भोजन ले जाता है, एक प्रत्येक सुबह के समय और दूसरा शाम के समय वह उसके लिए भोजन ले जाता है। एंड टू कप्स ऑफ टी, और दो कप चाय के प्याले। वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द आफ्टरनून, एक सुबह के समय और एक दोपहर के समय। रमेश सेज ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, इट्स ऑलवेज द सेम फूड, टू चपाती सम दाल एंड अ वेजिटेबल। मिस्टर नाथ पेस कैश एंड टिप वेल। रमेश सेज, रमेश ने बताया, ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट, वह जो खाता है उसके प्रति खास ध्यान नहीं देता। व्हाट ही ईट्स, इट्स ऑलवेज द सेम फूड, वह हमेशा एक जैसा खाना होता है। टू चपाती, दो रोटियां, सम दाल थोड़ी सी दाल एंड वेजिटेबल्स, और एक सब्जी। मिस्टर नाथ पेस कैश एंड टिप वेल। मिस्टर नाथ रुपए में बिल चुकाते हैं और बख्शिश भी अच्छी देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, रमेश ने मुझे एक बहुत अजीब बात बताई। माया सेवन एडेड, सेवन ने जोड़ा। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज टू लंचेस टू मिस्टर नाथ रूम, लगभग हर एक इतवार को वह दो लंच लेकर जाता है मिस्टर नाथ के कमरे में। एंड सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम, और हर बार वही आदमी उसके साथ होता है। ही इज टॉल फेयर सो स्टूड एंड वियर्स स्पेक्टल्स। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक। ही इज टॉल फेयर स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टल्स, वह लंबा गोरा गठीला और चश्मा पहनता है। रमेश सेज, रमेश कहता है, हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट, वह आगंतुक बहुत बोलता है।
अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक, जबकि मिस्टर नाथ बहुत कम बोलते हैं।